राजा श्याम गोपाल सिंजर, नवाब मीर असगर हुसैन साहब, डॉक्टर दाऊद अशरफ, प्रोफेसर अशरफ रफ़ी, दाऊद साहब जा चुके हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, प्रोफेसर अशरफ रफ़ी साहिबा, ख्वातीन हजरात, खाजी सईद साहब जब सुबह मेरे पास आए थे और प्रोग्राम दिखा रहे थे तो उसमें मेरा नाम उन्होंने शामिल किया हुआ था, तो उस वक्त ही मैंने अपना नाम काट दिया था कि मैंने कहा मुकर्रीन बहुत होंगे, वक्त काफ़ी हो जाएगा, इसलिए इस्तकबाल और तारुफ़ जो सब काम है वो आप ही के सुपुर्द हैं और हम लोग सुनने वालों में शामिल होंगे। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि कुछ आज का दिन ख़राब ही निकलेगा और तकरीर करनी ही पड़ जाएगी अपने, क्योंकि मोहम्मद मियाँ साहब भी चले गए अपनी सदारती करके और ये ज़िम्मेदारी मेरे सुपुर्द कहीं से आ गई। बहरहाल मुझे ये खुशी रही कि मैं यहाँ बैठा रहा और इतने अच्छी तकरारी सुनने का मौका मिला, और वो नक्शा आंखों के सामने जैसे एक रील की तरह चलती रही, वो जैसे वो फिल्म देख रहे थे, वैसे ही इन लोगों की तकारीर में और इनकी नसर में और इनकी रवानी में और इनके इनके कदम के ज़रिए जो इस सजीव ज़बान में उस तहजीब की को पेश किया गया है, तो एक ऐसा अच्छा मौका शायद कभी और ना मिलता। और मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था कि हम लोगों ने भी कम से कम, मैंने तो सारी उम्र सरकारी नौकरी करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से देखे और अब आप यहाँ आपकी खिदमत में मौजूद हूँ, तो हम हमेशा ये कहते थे कि ये जो लोग ब्यूरोक्रेसी में होते हैं उनको वक्त ही नहीं मिलता कभी पढ़ने का, सोचने का और कोई इल्मी और अदबी काम करने का। लेकिन राजा साहब की ज़िंदगी से ये ऐसा एहसास हुआ कि आप काम दफ्तरी काम भी कर सकते हैं और ऐसे ऐसे आला अहदों पर बैठ के काम कर सकते हैं और उसके साथ साथ तमाम दीगर ऐसे काम कर सकते हैं जो इतने हैरतअंगेज और इतने मौकांगेज़ हैं और कितनी तसानीफ़ हैं और कितने असनाफ़ हैं जिसमें आपने काम किया है, और फिर जो जिसका ज़िक्र यहाँ बार बार हुआ कि देखिए हैदराबाद की जो गंगा जमनी तहजीब है और जिसका यहाँ पे एक तरीके से अफसोस किया जा रहा है कि वो ख़त्म हो रही है और हो गई है। मैं और जैसे सब लोगों को भी इल्म होगा, अगर आप मुख्तलिफ़ शहरों में जाएँ, मिसाल के तौर पर आप लखनऊ जाएँ तो लखनऊ के लोग भी इसी बात का अफसोस और मातम करते हैं कि लखनऊ की पुरानी तहजीब ख़त्म हो गई। आप अलीगढ़ जाएँ तो अलीगढ़ के लोग, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लोग भी सोचते रहते हैं कि अलीगढ़ वैसा नहीं रहा जो आज से अब हिंदुस्तानी। मैं यही कहना चाह रहा था, मैं यही कहना चाह रहा था कि तब्दीली जो है वो वक्त के साथ साथ चेंज जो है वो एक इनिवाइटेबल है और हमको उसको उसको ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए, मंजूर करना चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम चेंज के साथ पुराने वक्त की जो अच्छी चीज़ें हैं उसको छोड़ दें और उसको दरकिनार कर दें। मैं अक्सर और बेशतर कहता हूँ कि देर इज़ ऑलवेज़ ए नीड फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशंस, ट्रेडिशन रिवायतों की को जदीद करने की ज़रूरत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन रिवायतों को कालादम कर दें, ख़राब छोड़ दें, जो अपने वक्त के साथ साथ जैसे कहते हैं टाइम टेस्टेड ट्रेडिशंस होती हैं या टाइम टेस्टेड विजडम होती है या टाइम टेस्टेड आपके सच्चाइयाँ होती हैं, और उसी टाइम टेस्टेड सच्चाइयों का एक आज के दौर में जो जिसका बार बार जिक्र किया गया, एक गंगा जमनी तहजीब और आपसी प्यार मोहब्बत, भाईचारा, और जिस तरीके से बताया गया कि राजा साहब के ख़ानदान में मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, बच्चे थे, वो जो उनकी ड्यूटी थी वो एक हिंदुस्तान के जो तशबीह हम देखना चाहते हैं या शक्ल देखना चाहते हैं, हिंदुस्तान कैसा हो, आज भी जैसे हमारे दिलों में ख्वाहिश रहती है कि हिंदुस्तान कैसा हो, शायद वो ड्योढ़ी जो है उस हिंदुस्तान की एक मिसाल थी और उस ड्योढ़ी को हम लोगों को, उस ड्योढ़ी की रिवायतों को ज़िंदा करना शायद इस महफिल की के सामने एक चैलेंज ही होगा और ज़रूरत भी होगी, और उसको ज़िंदा रखने के लिए हम सबको कोशिश भी करनी होगी, वरना हिंदुस्तान की जो ऐसी रिवायतें रही हैं और जिस तरीके से हमें अभी सीखा, जैसे आप कह रहे थे कि बहुत से लोग जानते होंगे राजा साहब के बारे में, लेकिन मैं उन लोगों में जो नहीं जानता था, इसलिए मेरे लिए ये महफिल बहुत ज़रूरी रही मेरे लिए समझना, और ऐसे बहुत से लोग इस महफिल में हो सकते हैं जिनको शायद इसके बारे में तर्ज नहीं होगा। लेकिन एक बात कितनी अच्छी अभी किसी ने कही और मैंने फ़ौरन नोट कर ली यहाँ पर, बादशाह का कोई मज़हब नहीं होता, इतनी अच्छी बात कही गई। द सेकुलर सेकुलर पार्ट ऑफ द स्टेट को जो सेकुलर होना चाहिए, मेरे ख्याल से आपने कहा या किसने कहा, इतना बढ़िया जुमला है कि बादशाह का कोई मज़हब नहीं होता। तो ये जो है
हम लोगों को चाहे किसी भी जगह बैठे हों, जो आज के दौर में हम कहते हैं कि हम लोग सेकुलर स्टेट में रह रहे हैं, तो ज़रूरत इसी बात की है कि हमारा जो आज का भी रूलर हो या रूलिंग क्लास हो या रूलिंग पार्टी हो, उसका भी कोई मजहब नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो इन लोगों से सीखने की हैं, और अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम ही नुकसान में रहेंगे, मुल्क नुकसान में रहेगा। जो इंसान दोस्ती की बात की गई और इल्म दोस्ती की बात की गई और वहदत में कसरत में वहदत और वहदत में कसरत की बात की गई, ये सब बातें जो की गई हैं, मैं समझता हूँ ये हर वक्त के लिए हैं, उस सदी के लिए नहीं है जो जिसमें ये लोग रह रहे थे, 1911 हो या 1920 हो या उससे पहले की सदी हो, उस दौर की नहीं है। आज भी उतनी अहमियत रखती हैं, आज भी उसकी इतनी अफादियत है, और मैं समझता हूँ हमेशा रहेगी। इसलिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ रानी साहबा आपकी खिदमत में कि आपने हमको इस यूनिवर्सिटी को मौका दिया। जब खालिद सईद साहब ने हम मुझसे इस बात का रब्ता किया कि ऐसा कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो मैंने फ़ौरन भाई शान साहब की इजाज़त दी, और उससे पहले प्रोफेसर अशरफ ने मुझसे बात की थी सिलसिले में, और हम आगे भी जैसे कि भाई शान साहब कह गए, वादा कर गए, और ये भी वादा कर गए कि मैं लिख के कह जाऊँगा, तो वो जो रिटर्न है तहरीर में जाके तहरीर में जब्त करके जाएंगे। इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी हमेशा इस किस्म के प्रोग्राम का इनेकाद करती रहेगी, और आप लोग जो दूसरी यूनिवर्सिटियों से आए हैं और शहर से आए हैं और दूसरे मकाम से आए हैं, उन्होंने इस महफिल को जो इज़्ज़त बख्शी है, उसके लिए भी हमारी यूनिवर्सिटी और मैं ज़ाती तौर से मशकूर हूँ, और ख़ास तौर से राजा साहब की फैमिली, उनके दूसरे फैमिली के जो दूसरे करीबी दोस्तों की फैमिली है उनसे, और जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने आज बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। और ये बातें ऐसी हैं कि जिनको बार बार दोहराने की ज़रूरत है, तो इसलिए ऐसी महफिलों को बार बार करना हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात होगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं फिर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद शाही साहब। अब मैं डॉक्टर इरशाद अहमद असिस्टेंट प्रोफेसर CULLC से गुजारिश करती हूँ कि वो आप लोगों का शुक्रिया अदा करें। मैं इससे पहले दो जुमले ये कहना चाहता हूँ कि इस तकरीब में आपने देखा राजा श्याम गोपाल सैंचा साहब और राजकुमारी इंदिरा देवी धनराज गीत जी के हम जैसे लोग भी हैं कि इस तकरीब की वजह से, इस लेक्चर की वजह से पढ़ने सुनने समझने का मौका मिला, और जो हमारे साहब अभी फरमा रहे थे वैसे बाइल्म लोग भी मौजूद हैं, तो ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, ये इस यूनिवर्सिटी में भी और यूनिवर्सिटी तो पूरे हिंदुस्तान में ये फैली हुई है। मरकज़ ब्राय उर्दू ज़बान अदब सकाफ़त की जानिब से पहले महाराजा सर किशन प्रसाद शाद मेमोरियल लेक्चर में शिरकत के लिए मैं सबसे पहले अभी मौजूद नहीं है, लेकिन मैं सदर मोहतरम इज़्ज़त मआब शेखुल जामिया प्रोफेसर मोहम्मद मियाँ की खिदमत में हद तशक्कुर पेश करता हूँ। इस लेक्चर का इनेकाद राजकुमारी इंदिरा देवी धनराज गिर जी की का मरहून मिन्नत है, मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मेमोरियल लेक्चर में मेहमान खसूसी राजा श्याम गोपाल सेंजर साहब की शिरकत हमारे लिए बास सद इफ्तखार है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और माजरत भी कि आपको लेने मैं दरवाजे में मौजूद नहीं था क्योंकि मैं किसी मेहमान को पहुँचाने अंदर आ गया था। और डॉक्टर नवाब मीर असगर हुसैन साहब हमारे खसूसी शुक्रिया के मुस्ताक हैं कि आपने राजकुमारी इंदिरा देवी धनराज गिर जी की दावत पर शिरकत की। डॉक्टर दाऊद अशरफ साहब जो भी तशरीफ़ ले जा चुके हैं कि मुफस्सिल और मालूमात अफजा लेक्चर और महाराजा की उर्दू खिदमात पर प्रोफेसर अशरफ रफ़ी साहबा के बसीरत अफरोज़ खुतबे के लिए मैं इन दोनों मुकर्रीन का बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं नायब शेख जामिया डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद शाहिद साहब का समीम कल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुख्तलिफ़ जामियात के तशरीफ़ फरमा डीन प्रोफेसर असाज़ा व दीगर मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आमना किशोर साहबा सबसे पहले 3 बजे आई थी, तशरीफ़ ले जा चुकी हैं, और मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डीन डायरेक्टर्स सदूर और असाज़ा का भी मशकूर हूँ। सेंट्रल लाइब्रेरी और मीडिया सेंटर के ज़िम्मेदारान और अरकान प्रेस और तमाम हाज़रीन का मैं फ़र्दन फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।